स्कोर भी तुम्हें दिखाते हैं। नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट। सबसे पहले चैंपियंस, दूसरे नंबर पे यूट्यूबर्स, तीसरे नंबर पे टिकटॉकर और आखिरी नंबर पे इंस्टाग्रामर। सबसे पहली सिचुएशन है चैंपियंस के लिए, 3 पॉइंट्स का गेम है एक्टिंग का। चलो भाई, एक लड़का इम्तिहान में बार बार फेल होता है और हमेशा अपने अब्बू से मार खाता है। वो फेल होता रहेगा और मुख्तलिफ तरीके से डांट खाता रहेगा, मार खाता रहेगा। आखिर में एक दिन ऐसा आएगा कि वो पास हो जाएगा, मगर जैसे ही ये खबर अपने अब्बू को बताएगा, अब्बा सुनते ही ऊपर चले जाएंगे, उनको यकीन नहीं आएगा। एक बच्चा है जो हमेशा फेल होता रहा मैट्रिक के अंदर, सही है, उसको तकरीबन 7-8 साल हो गए मैट्रिक करते हुए, लेकिन वो पास नहीं हो रहा। फिर जैसे ही आप आगे बताओगे कि इस बार तुम पास हो गए हो, तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी अब्बा की, सही। अब्बा हो सकता है फेंट हो जाए, बेहोश हो जाए। नहीं, आप पहले बताओगे 7-8 मरतबा आगे कि तुम फेल हो गए हो, फिर से फेल हो गए हो, लेकिन जल्दी जल्दी करना है। 1 मिनट है, 8 मरतबा ना करो, कम से कम 3 या 4 मरतबा करना, उसके बाद तुम आगे बताओगे। और तुम ये समझ लेना कि ये 3 या 4 मरतबा जो ये 8 साल का इसमें वक्फा आ गया है, उसके बाद आके ये बता रहा है, सही है। चलो भाई, माइक लाओ जल्दी से, माइक बन जाओ, बिल्कुल तुम अम्मा हो, आ जाओ बेटे, आ जाओ जल्दी से, माइक लेकर आओ भाई। कश्यप अम्मा बन गई है, ये हमारे लंबे अब्बा, रेडी हो भाई? चलो भाई, जूते का टाइम नहीं, रेडी, क्या कर रहे हो? अच्छा, रेडी गो। ये कमबख्त बच्चा पता नहीं क्या हो गया, ऐसे बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, हमेशा की तरह आज भी मैं फेल हो गया। निकल यहां से, निकल, निकल, नहीं देखूं तुझे आज। जीना हराम कर दिया इसने हमारा, खोर। ये कैसे बच्चा पैदा किया है तुमने, हमेशा फेल होता रहता है। मैंने पैदा करे और किसने किया? अब्बू मार लो, फेल हुआ है ना, फेल हुआ है, फिर से फेल हुआ है, निकल यहां से, निकल मेरे घर से। बेदखल कर दिया मैंने आज के बाद इसको जायदाद से, मेरा नाम अखबार में लिखवा दो कि मेरा बेटा नहीं है आज के बाद, मेरा बेटा। अब्बू कम ऑन, इस दफा तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बटिस्टा अब्बू मेरी शादी करा दो। यस 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 यस, तुम्हारे हरकतें हैं शादी वाले, पास हो गया हूं। क्या पास हो गया? पास आलू ले लो, लौकी ले लो, टिंडे ले लो, एक फिल्म का शूट है, इसमें सब्जी वाले को ये 3 जुमले मुख्तलिफ अंदाज में बोलना है। डायरेक्टर को समझ नहीं आएगा, वो आखिरी वक्त में लड़के को हटा के लड़की को सब्जी वाला बना दे। दो है, आलू ले लो, लौकी ले लो, टिंडे ले लो, ये 3 है। किसी हीरो का शूट चल रहा है, मतलब कोई भी सीन एक शूट हो रहा है जिसके अंदर हीरो ने ये परफॉर्म करना है, लेकिन वो कर ही नहीं पाएगा, तो जो डायरेक्टर होगा वो चेंज करके बोलेगा लड़की अब ये बात, आलू ले लो, लौकी ले लो, टिंडे ले लो। हाँ, 2-3 मरतबा तुम बोल सकते हो अलग अलग अंदाजों में। चलो भाई, डायरेक्टर साहब कौन है? डायरेक्टर आप हैं, माइक दीजिएगा जल्दी से, शेष को माइक दो, वो जरना आपके पास है। चलो भाई, रेडी, जल्दी आओ शेष, जल्दी आओ, रेडी गो। हाँ तो भैया, तो रेडी है पक्का? तेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा। चलो रेडी। अच्छा, रोल कैमरा एक्शन। आलू ले लो, टींडे ले लो, लौकी ले लो। अबे वो लौकी के मुंह वाले, इतना हाँ। गैप दे के नहीं बोलना, जल्दी करो, अच्छे से बोलो। रोल कैमरा एक्शन। आलू ले लो, टींडे ले लो, लौकी ले लो। अबे ऐसे कोई नहीं लेगा, भाग जाएंगे सारे, पागल हो गए। अच्छे से बोल। आलू ले लो, टींडे ले लो, लौकी ले लो। मेरी बात सुन, ये अपनी अंदर की औरत को अंदर ही रख, एक हीरो वाले अंदाज में बोल, हीरो वाले अंदाज में। रोल कैमरा एक्शन। आलू ले लो, टींडे ले लो, लौकी ले लो। देखा, 3 मेरी बात, मेरी बात सुन, निकल तो मैं हुई ना, तेरे से बेहतर तो मैं किसी लड़की से करवाता। आप बोल के दिखाएं जरा। रोल कैमरा एक्शन। आलू ले लो, टिंडे ले लो, गोभी ले लो, इसको भी ले लो, आपको भी ले लो, और सब ले लो। परफेक्ट टाइम, वेरी नाइस टाइम ऑफ द वर्ल्ड गाइस। आओ भाई, टिकटॉकर्स, टिकटॉकर्स हैं भाई जनाब, रेडी। एक लड़का आम चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसका थैला आम से भरा हुआ है। पहले तो माली इसकी पिटाई करेगा, फिर लड़का माली से माफिया मांगेगा। किसी गार्डन में कोई माली होगा जहां से तुमने आम तोड़ के चोरी कर लिया है, लेकिन पकड़े गए, माली पिटाई कर माफिया मांगेगा, फिर वो लड़का माली से माफिया मांगेगा। माली जब उस लड़के की माँ के पास लेकर जाएगा कि आपके बेटे ने चोरी की है, तो माँ अपने बेटे को छोड़कर माली पर गुस्सा करने लग जाएगी कि तुमने मेरे बेटे को चोर कैसे कहा। माँ को यकीन नहीं आएगा अपने बेटे के ऊपर। एक लड़का
किसी बाग में जाकर आम चोरी करते हुए पकड़ा गया है माली के हाथों। अब माली उसकी पिटाई लगा रहा है, वो माफिया मांग रहा है। माली उसको पकड़ेगा, उसकी माँ के पास लेकर जाएगा तो माँ को यकीन नहीं आएगा और माँ उल्टा लड़ना शुरू हो जाएगी माली से कि मेरा बेटा चोर नहीं है, आओ जल्दी से। चलो भाई एक मिनट है पूरा तुम लोगों के पास, रेडी? माइक दो जल्दी से, रेडी गाइज? कौन है बच्चा? वो आप बच्चे और ये माली है, रेडी गो। पकड़ लिया आज मैंने तुम्हें। मैं हैरान, ये मेरे आम कहाँ गए? आम चोर कोई अच्छी चीज चोरी करता? आम चोरी करता है तू? आपने लगा ना? आम चोरी करता है तू? आम चोरी करता नहीं, है नहीं मैंने नहीं। चल चल तेरी माँ के पास तुझे लेकर जाता हूँ। ये देखे आपका बेटा चोर है, लुच्चा है, डाकू है, मेरे सारे आम। इसने मुझे जबरदस्ती पकड़वाया। मेरा बेटा क्या किया इसने? मेरे सारे आम चोरी कर लिए इसने। तो हीरे थोड़ी थे, आम ही तो थे। मेरे सारे आम इसने चोरी कर ली। मैं नहीं, मैं नहीं चोरूंगा इसको। आपका बेटा चोर है। तुम आगे चोर, मुझे तुम्हारी डाकुओं वाली है, उसकी तो है ही नहीं। देखो बस अपने बेटे की गलती कभी नहीं मानना। उसने की नहीं है चोरी, आम लिया है ना, तोड़ा है बस। देखो उसकी हरकतें देखो, तुम अपनी मुझे देखो। क्यों मेरी मुझो में क्या है? उसकी हरकतें देखो। आप माली हूँ, मैं माली हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ भी नहीं कर सकते। देखो तुम्हारे पास क्या सबूत है? टाइम आउट अपनी मुझे देखो जाके यार, जबरदस्त बारी आ गई इंस्टाग्रामर्स की। चलो इंस्टाग्रामर्स कम ऑन, बड़े इंपॉर्टेंट तीन पॉइंट्स। एक लड़का 50 मंजिला इमारत की छत पर पहुंच गया है, वहां से कूदने वाला है, कूदने वाला ही था कि अचानक ठीक वक्त पर लड़के के वालदैन पहुंच गए। अगर आप लोगों ने मेरी शादी उस लड़की से नहीं की तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। लड़का धमकियां देता रहेगा मगर कूदेगा नहीं। आ जाओ इसको फनी बनाना है तुम लोगों ने, सुन लो अब दोबारा। एक लड़का 50 मंजिला इमारत की छत पर पहुंच गया, वहां से कूदने वाला था कि अचानक ठीक वक्त पर लड़के के वालदैन पहुंच गए। अगर आप लोगों ने मेरी शादी उस लड़की से नहीं की तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। लड़का धमकियाँ देता रहेगा मगर कूदेगा नहीं। हो सकता है बाद में माँ बाप को ये रियलाइज हो जाए कि ये जो है ये ऐसे ही बातें कर रहा है, तो बोले हाँ बेटे कूदो, सही है, आखिर में बोल सकते हैं ये। लेकिन अभी तुम इसको एक मिनट के अंदर इस सिचुएशन को पूरा बताना है तुमने। अच्छा ये माँ बाप आ गए हैं, पहले बच्चा स्टार्ट कर रहा है, रेडी गो। ये हमारा लाल कहाँ गया? मुन्ना कहाँ गया? सुनते ही अरे मास माँ, अरे बेटा बेटा क्या कर रहे हो? इधर से गिर गए तो खुदूंगा ही ना, हड्डी पसली टूट जाएगी। टूटने दे, वैसे भी मेरी शादी नहीं करवा रहे आप लोग। कब से बोल रहा हूँ, दो सालों से बोल रहा हूँ शादी कराओ मेरी। इतना बड़ा हो गया हूँ, शादी कब कराएंगे? मैं खुद जाऊंगा। देख बेटा तुम किसी काबिल तो हो जाओ, पहले कुछ कमा लो यार। क्या इतना तो कमाता हूँ, फूटी कौड़ी नहीं है, शादी कर लो, शादी कर लो। है बहुत सारी है, अगर आपने मेरी अभी भी शादी नहीं कराई ना तो मैं दोबारा खुद जाऊंगा। आशिक शादी नहीं करा रहे, कूद नहीं करा रहे, गिर जा। टाइम ऑफ जबरदस्त गाइस। चलो भाई पहले आप लोग बताइए सबसे एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस आप लोगों के हिसाब से किस टीम की तरफ से थी? जी दानिश भाई, हमें थोड़ा सा खैर आपकी तो जरूरत पड़ती ही है जी, कि आप बहुत सही जज करते हैं चीज़ों को। तो हमें जो बेसिकली पसंद आई है वो अब इनमें से आपने बताना है जी, कि पहले नंबर पर जो हमें लगे कि वो चैम्पियंस हैं ऐसा ही, और दूसरे नंबर पर टिकटॉकर्स और तीसरे नंबर पर इनका, इस तरह से हम लोग को एक वो लगा। उनका थोड़ा सा सिचुएशन शायद सही नहीं मिली है, उन्होंने इसको थोड़ा सा फनी नहीं किया, इन लोगों ने फिर भी अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए और कुछ बेहतर किया है, बाकी आप ज़्यादा बेहतर बता सकते। अच्छा मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तुम लोगों में जो एक्टिंग वाइज भी और सिचुएशन के हिसाब से थे, या जिनकी किस्मत में सिचुएशन भी अच्छी निकली थी, वो इत्तेफाक से चैंपियंस ही थे। ये तीन पॉइंट्स तो चैंपियंस के साथ जाएंगे, लेकिन बाकी तीनों टीम्स ने आज इंक्लूडिंग इंस्टाग्रामर्स आज एक्टिंग जबरदस्त की है सिचुएशन के हिसाब से। एक एक पॉइंट तुम तीनों के साथ जाएगा, तीन चैंपियंस के साथ जाएंगे, हो जाएगा इस। तीन पॉइंट जाएंगे चैंपियंस के साथ, एक पॉइंट जाएगा टिकटॉकर्स के साथ, एक पॉइंट जाएगा यूट्यूबर्स के साथ, एक पॉइंट जाएगा इंस्टाग्रामर्स के साथ।